एंड टुडे आई विल बी डिस्कसिंग अ वेरी ट्रेंडिंग टॉपिक ऑन सोशल मीडिया दैट इज़ रिमिशन ऑफ डायबिटीज़। अब रिमिशन ऑफ डायबिटीज़ क्या है? रिमिशन का मतलब है कि अगर 3 महीना या उससे ज़्यादा बिना किसी डायबिटीज़ की दवाई लिए हुए अगर HbA1c जो कि 3 महीने की ब्लड ग्लूकोज का एवरेज होता है वो 6.5 के नीचे आ जाता है और खाली पेट की जो शुगर होती है वो 126 के नीचे आ जाती है तो उसको रिमिशन कहा जाता है। रिवर्सल और रिमिशन में क्या फ़र्क होता है? रिवर्सल का मतलब होता है कि अगर डायबिटीज़ एक बार ठीक हो गया तो वो दोबारा लौट कर नहीं आएगा, जो कि सच नहीं है। रिमिशन में हम इस पॉसिबिलिटी को कंसिडर करते हैं कि अगर हमारा लाइफस्टाइल ठीक नहीं रहा तो डायबिटीज़ वापस लौट कर आ सकता है। तो क्या डायबिटीज़ रिमिशन सच में पॉसिबल है? जी हाँ। लेकिन क्या डायबिटीज़ रिमिशन सब में पॉसिबल है? जी नहीं। डायबिटीज़ रिमिशन की बात ज़्यादातर टाइप 2 डायबिटीज़ में करी जाती है। टाइप 1 डायबिटीज़ एक ऑटोइम्यून प्रोसेस है, ये रिवर्सिबल नहीं है। इसी के साथ पैनक्रियास की बीमारी की वजह से होने वाला डायबिटीज़ रिवर्सिबल नहीं है, और एक बार जब टाइप 2 डायबिटीज़ में कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं तो उसके साथ भी रिवर्सिबिलिटी नहीं रहती। फिजियोलॉजिकल कंडीशंस जैसे कि प्रेगनेंसी में होने वाला डायबिटीज़, स्ट्रेस इंड्यूस्ड डायबिटीज़ या फिर दवाइयों की वजह से स्टेरॉइड्स की वजह से होने वाले डायबिटीज़ को भी रिमिशन के क्राइटेरिया में कंसिडर नहीं किया जाता है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ में रिमिशन का कॉन्सेप्ट आया डायरेक्ट स्टडी से, और इस स्टडी ने बताया कि टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज़ जिनकी बीमारी की ड्यूरेशन 6 साल से कम है अगर वो वेट लॉस करते हैं तो उनकी डायबिटीज़ की दवाइयाँ बंद हो सकती हैं, और जितना ज़्यादा वेट लॉस होगा उतने ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं रिमिशन में जाने के। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 5 किलो या उससे कम का वेट लॉस था तो रिमिशन के चांसेस सिर्फ 7% रहते हैं। वहीं पर अगर 10 से 15 किलो का वेट लॉस होता है तो रिमिशन के चांसेस 57% तक हो जाते हैं। वेट लॉस के अलावा भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि आपका डायबिटीज़ रिमिशन में जाएगा या नहीं। उसमें पहला है आपकी एज। अगर आप कम उम्र के हैं, आपकी डायबिटीज़ की ड्यूरेशन कम है, आपकी ज़्यादा डायबिटीज़ की दवाइयाँ नहीं चल रही हैं, पेट पे मोटापा नहीं है ज़्यादा, तो आपका डायबिटीज़ रिमिशन में जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। डायबिटीज़ रिमिशन में चला जाए इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए ज़रूरी है डाइट और एक्सरसाइज। इसके लिए बहुत से डाइटरी पैटर्न्स अवेलेबल हैं जैसे कि लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, वेरी लो कैलोरी डाइट, पैलियो डाइट एक्सेट्रा। लेकिन ज़रूरी नहीं कि एक डाइट पैटर्न हर पेशेंट को सूट करे, और अगर आप कभी भी किसी भी डाइटरी पैटर्न के लिए ऑप्ट करते हैं तो ज़रूरी है कि आप उसको मेडिकल सुपरविजन में करें। एक बार अगर आपका डायबिटीज़ रिमिशन में चला जाता है तो ज़रूरी है कि आप उस लाइफस्टाइल को आगे भी कंटिन्यू करें, नहीं तो डायबिटीज़ वापस आ सकता है।